हेलो गाइस, आज है दिवाली और दिवाली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज तो मेरा शेड्यूल कुछ ज़्यादा ही बिजी है क्योंकि मुझे आज पैकिंग भी करनी है और शाम की पूजा की तैयारी भी करनी है और थोड़ी डेकोरेशन भी मेरी बाकी है। देखो मैं कैसे मैनेज करती हूँ। सो फाइनली एक बैग पैक हो गया, अब दूसरा मुझे अपना कपड़ा डालना है। अब मैं उसे भी फटाफट से पैक कर लूँगी, फिर काम डन हो जाएगा। सबसे ज़्यादा हेडेक पैकिंग में ही लगता है और उससे भी ज़्यादा हेडेक जब उसे खाली करना होता है। एग्री करते हो कि नहीं आप लोग? देखो देखो कितना कपड़ा फैला हुआ है, मुझे जल्दी जल्दी से इसकी साफ़ सफाई भी करनी पड़ेगी। बस दूसरा वाला बैग मैं पैक करना स्टार्ट कर दी हूँ और ये देखो ये इतना बड़ा स्टॉल है ना कि मैं इसमें आराम से इसे ओढ़ के सो भी सकती हूँ। पैकिंग मेरा डन हो गया, बहुत बड़ा काम खत्म हुआ है। यू नो कितना डिफिकल्ट होता है और उससे भी ज्यादा तो जब उसे खाली करना पड़ता है ना वापस आके, तब तो और ज्यादा हेडेक लगता है। चलो मेरी पैकिंग डन हो गई तो बस अभी मैं आ गई हूँ लंच का प्रिपरेशन करने। आज लंच बड़ा ही सिंपल है, आलू पराठा ही है। बस रेसिपी क्या ही शेयर करूँ आपसे, तो बस मैं इसे फटाफट से बनाऊंगी। 2000 years later. Hello friends, welcome back to my channel and happy Diwali. कैसे हो आप लोग? दिवाली की तो प्रिपरेशन अब तक तो सबके घर पर हो ही गई होगी, है ना? मेरी अभी थोड़ी थोड़ी बची हुई है, मुझे अभी बस थोड़ा लटकन वटकन है वो सब टांगना है। इनफ मैं एक्चुअली कल ही कर लेती, लेकिन कल ना मैं थोड़ा लो फील कर रही थी इसलिए मेरे से नहीं हो पाया। मेरी अब भी आवाज़ बहुत भारी है, पर कोई नहीं है, सब तो चलता रहेगा। तो फिर चलो फिर फटाक से प्रिपरेशन करते हैं। कुछ नहीं, मैं एकदम बेसिक सा करूँगी क्योंकि एनर्जी है नहीं मेरे अंदर बिल्कुल भी। फिर भी जितना हो सकेगा उतना तो घर को डेकोरेट करना ही है, तो बस मैं ढेर सारा फूल और पत्तियाँ लेकर आई हूँ और बस उसे बनाऊँगी और फटाफट से उसे डेकोरेट करके रेडी कर दूँगी शाम से पहले ही। अभी 3 बज रहे हैं दोपहर के, मैं अभी जस्ट नहा के आई हूँ थोड़ी देर पहले, हाफ एन आवर हो गए मुझे नहाए हुए। तो बस फिर चलो चलते हैं फटाफट से प्रिपरेशन करते हैं, फिर मुझे रात का डिनर का भी प्रिपरेशन करना है, तो फिर चलो। मुझे ना ये डेकोरेशन करना काफ़ी पसंद है, मैं ना हर फेस्टिवल में ऐसा तो एक जरूर बनाती हूँ। मुझे पता नहीं काफ़ी पसंद आता है। मैं अशोक का पत्ता अब मेरे सोसाइटी में ही है, मैं तोड़ कर ले आती हूँ और कुछ गेंदे के फूल और बस उससे एक बहुत अच्छा सा गेट का तोरण तैयार हो जाता है। उसके बाद फिर मैंने ना ये एक बाउल में ये फूल कुछ डाल दिया, पत्तियाँ डाल दिया, इसमें मैं शाम में कैंडल जलाकर आपको दिखाऊंगी ये कैसा लगता है, बहुत ही सुंदर दिखता है। और ये रहा मेरे घर का फाइनल लुक, ये देखो किसने खोला गेट को, और फिर बस इस तरह से मेरा कुछ एंट्रेंस दिख रहा है। अगर ऐसे तोरण की आपको लिंक चाहिए ना तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी और ऊपर आई बटन भी डाल दूंगी, तो आप देख लेना, वहाँ से चेकआउट कर लेना। काफ़ी इजी है बनाना, आप भी बना सकते हो बहुत ही इजीली। और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि मेरा ये डेकोरेशन आपको सिंपल एंड सोवर सा कैसा लग रहा है। और मेरा बेबी भी मेरी हेल्प करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं था, वो मुझे ये कैंडल ना पैकेट में से निकाल निकाल कर दे रहा था। घर में दिया जलाने के बाद हम लोग अपने सोसाइटी के मंदिर में भी गए और वहाँ पे भी हमने दिया जलाया, फिर कुछ फ़ोटो वोटो क्लिक किए, उसके बाद घर आकर फुलझड़ियाँ जलाई और हमने खूब सारा मस्ती किया। फिर वापस से हम लोग नीचे गए ग्राउंड में ये देखने की और बाहर का डेकोरेशन और भी कैसा लग रहा है। रात में तो देखने का मज़ा ही अलग है ना, तो यहाँ देखो कितनी ज़्यादा भीड़ थी और बहुत बड़े बड़े पटाखे छोड़े जा रहे थे, वो बारूद वाले पटाखे। मुझे तो समझ नहीं आया, मैंने तो ये फर्स्ट टाइम देखा है। बस ये देखने के बाद फिर हम लोग वापस से घर चले गए, काफ़ी लेट भी हो गया था, इसके बाद मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो जल्दी मिलती हूँ अगली व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।